हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो हम छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर, छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, लंबा टॉपिक है। यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को लिया हूँ जो एग्ज़ाम के लिए जो है लायक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी इसके सेशन डले उसको पार्ट वाइज देखिएगा। ठीक है, ये हमारा इसके बाद दो पार्ट और आएगा। ठीक है, ये हमारा शायद सातवा या आठवा पार्ट है। ठीक है, दो पार्ट और आएंगे, इसके बाद जो है कम्प्लीट हो जाएगी। इसमें मतलब पूरा जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो है इंक्लूड किया गया है। ठीक है जी, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पिछले सेशन में 100 क्वेश्चन कवर करा दिया था। ठीक है जी, तो हम 101 क्वेश्चन से स्टार्ट करें। कौन कौन से एग्जाम के लिए काम आएगा, तो छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन सभी एग्जाम के लिए काम आए। ठीक है, पीएससी प्री हो गया, मेन्स वगैरह, व्यापम में छत्तीसगढ़ पुलिस, छात्रावास अधीक्षक, प्रयोगशाला, इन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। 101 क्वेश्चन है, महानदी किनारे बसे गांव में विभिन्न पौराणिक चित्र बनाने वाले चितेरे कलाकार दीवारों पर विस्तृत चित्र कथाएं बनाते हैं, जिसे किस जो है लोक चित्र शैली के नाम से जाना जाता है? बालपुर चित्रकला, नोहडोरा चित्रकला, सिरपुर चित्रकला या कौशल चित्रकला? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको जो है बालपुर चित्रकला के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो महानदी किनारे जितने भी जो है छोटे छोटे गांव बसे वगैरह रहते हैं, तो इसमें जो है अलग अलग जो है पौराणिक चित्र बनाने वाले जो है कलाकार इसमें दीवारों पर जो है चित्र बनाते हैं, कथा जो बनाते हैं। ठीक है, ये जो चित्र जो लोक चित्र जो शैली है इसको जो है बालपुर चित्रकला के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक बार ये पीएससी में आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 102 क्वेश्चन है, ये बाल तोर नृत्य, ये जो है ये बाल तोर नृत्य किस उत्सव पे किया जाता है? उरांव जनजाति द्वारा जन्म संस्कार के समय, कोरकू जनजाति द्वारा पाटो विवाह के समय, या सी है मुड़िया जनजाति द्वारा नारायणपुर के मेला के समय, या डी है इनमें से कोई नृत्य? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये जो है ये बाल तोर नृत्य जो है मुड़िया जनजाति, या इसी को है मुड़िया जनजाति बोलते हैं। ठीक है, ये जो है मुड़िया या मुड़िया जनजाति के द्वारा ये जो है ये बाल तोर नृत्य को किया जाता है। ठीक है जी, ये जो है मड़ई के दौरान नारायणपुर का जो मेला होता है, ठीक है, मड़ई महोत्सव के समय अंगादेव के पूजा हेतु ये जो नृत्य को जो है किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे जो नृत्य हमारे छत्तीसगढ़ में किया जाता है, हुल्की पाटा, गेड़ी नृत्य, डिटोम नृत्य, ककसार नृत्य, मांदरी नृत्य। ठीक है, ये अलग अलग जो है जनजातियों में नृत्य को जो है पढ़ते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन, मतलब 103वां क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध लोकगीत ददरिया का अर्थ होता है दर्द के गीत होता है, कर्म गीत, दान देने में गाया जाने वाला गीत, या खुशी का गीत? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका प्रसिद्ध लोकगीत जो है ददरिया का जो अर्थ है यहाँ पे दर्द के गीत है। ठीक है, ददरिया जिसको छत्तीसगढ़ी में लोकगीतों का राजा कहा जाता है। ठीक है, व्यापम और पीएससी में आया हो। ठीक है, तो लोकगीतों का राजा किसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ में? तो ददरिया को कहा जाता है। ठीक है जी, जिसको दर्द के गीत भी बोलते हैं। ये आपके सवाल जवाब पे जो है आधारित होता है जी, और इसमें जो है ये जो कौन से समय इसको गाया जाता है, तो फसल बोते समय युवक और युवती को द्वारा मन की बात को जो इसमें पहुंचाई जाती है। ठीक है, तो ददरिया को जो है प्रेम गीत, यीशु को प्रणय गीत, या इसको जो है लव सॉन्ग के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, ये आपको पीएससी में और व्यापम बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ। इसके गीतकार कौन है? तो लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप सड़ंगी, केदार यादव। ठीक है, ये जो है ददरिया गीत के जो है प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है जी, गीतकार हैं। ठीक है, ददरिया की जो स्वीकृति छत्तीसगढ़ लोक जीवन और साहित्य जो है प्रेम काव्य के रूप में इसको हुई है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामगिरी की पहाड़ी में स्थित नाट्यशाला का निर्माण कौन से कलाकार ने थे? सुतनुका ने, देवदीन ने, मृणाल देव ने, या अकाल गुरु? इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, देवदीन नामक जो कलाकार हैं। रामगिरी की पहाड़ी कहाँ पे है? तो आपका सरगुजा जिले में स्थित है। ठीक है, जो यहाँ पे जो है बहुत ही प्राचीनतम नाट्यशाला का साक्ष्य यहाँ से मिला है। तो यहाँ के जो है देवदीन नामक जो कलाकार है, इन्होंने इस कलाकार ने जो है निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 106 क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग शिकार मारने के बाद शिकार का सिर काटकर पानी में धोकर वन देवता को अर्पित करते हैं? कमार जनजाति, बैगा जनजाति, कोरबा जनजाति, या माड़िया? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन, कमार जनजाति। कमार जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ निवास करती है जी? तो आपका गरियाबंद जिले के अंतर्गत बिंद्रनवागढ़ देवभोग तहसील, ये जो है धमतरी में आंशिक रूप से जो है निवास करते हैं। ठीक, इनके जो प्रमुख कार्य देखेंगे तो बांस शिल्प से संबंधित, बांस शिल्प मतलब झाड़ू टुकनी कर जो है ये जो है इस जो है बांस शिल्प से संबंधित काम करते हैं। इनके जो पंचायत प्रधान होते हैं इसको जो है
कुरहा बोलते हैं, ठीक है जी। सर्वाधिक गोदना को दबाने वाली जनजाति कौन सी जनजाति है, तो ये कमार जनजाति, ठीक है। इसको पीएससी प्री 2017 में आया हुआ है। रायपुर संभाग क्षेत्र के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति है। घर में मृत्यु को होने पर घर का त्याग कर देते हैं। ये जनजाति में क्या होता है कि जो है घर में किसी फैमिली मेम्बर का डेथ होता है तो उन लोग घर को त्याग देते हैं और दूसरे जगह में लोग जो है घर बनाते हैं, ठीक है जी। कमार जनजाति के दो उप जाति जैसे बुदराजिया और मकाड़िया, ठीक है, इनके दो उप वर्ग में इसको बांटा गया है, ठीक है। इसी जनजाति में, ठीक है जी, घोड़ा छूना निषेध है, ठीक है। तो घोड़ा छूना कौन से जनजाति में निषेध है, तो आपका कमार जनजाति, ठीक है। तो कमार जनजाति के लोग जो है शिकार मारने के बाद जो है शिकार का जो सिर काट कर जो है पानी में धोकर जो है ये आपके वन देवता को समर्पित करते हैं, ठीक है जी। तो अलग अलग देवी देवता के जो है ये आपका महत्व होता है अलग अलग जनजाति में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकगीत एवं लोक नृत्य की अद्भुत समन्वित शैली है नाचा, पंडवानी, ककसार या सोहर। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंडवानी, ठीक है। तो लोकगीत और लोक नृत्य की अद्भुत समन्वित शैली कौन सी है, तो आपका पंडवानी है, ठीक है। तो पंडवानी आप सभी को पता, ठीक है। तो यहाँ पे जो पंडवानी जो होता है जो है महाभारत के कथक छत्तीसगढ़ी लोक रूप को पंडवानी कहा जाता है। इसके रचयिता कौन है, तो सब्बल सिंह चौहान जो रतनपुर से संबंधित है इसके रचयिता हैं। इसके गीत रूप झाड़ूराम देवांगन जो पंडवानी के पितामह कहलाते हैं, ठीक है। ये किसी भी अवसर पर इसको जो है गाया बजा सकते हैं, ठीक है। इसमें मुख्य नायक भीम होते हैं, मुख्य नायिका द्रौपदी होते हैं, ठीक है। इसमें तंबूरा और करताल जैसे वाद्य यंत्र इसमें प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपके कौन कौन सी शैली में, एक तो वेदमती शैली, दूसरा कपालिक शैली में पंडवानी के दौरान इसको जो है प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल के देखेंगे कलाकार झाड़ूराम देवांगन, तीजन बाई, ऋतु वर्मा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो है कलाकार है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, भुंजिया जनजाति छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में पाई जाती है, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर या कोरबा। तो भुंजिया जनजाति छत्तीसगढ़ के जो है रायपुर संभाग के अंतर्गत निवास करती है और भुंजिया जनजाति बहुत ही कम जो है जनसंख्या में यहाँ पर जो है निवास करती है। भुंजिया जनजाति की अगर मैं बात करूँ तो राज्य सरकार के द्वारा भुंजिया जनजाति के विकास के लिए भुंजिया विकास अधिकरण जो है रायपुर में संचालित किया गया है। भुंजिया जनजाति के लोग रोग का इलाज जो है तपते लोहे से दाग कर करते हैं। ये जनजाति राज्य सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति है, ठीक है जी। भुंजिया जनजाति के जो है लाल बंगला को जो है रसोई घर को लाल बंगला के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब जैसे घर में हम किचन या रसोई घर के नाम से जानते हैं, तीन लोग जो है इसको लाल बंगला बोलते हैं, ठीक है, किचन को या रसोई घर को। तो इसको याद रखिएगा, ये आप 2016 के पेपर में आया हुआ है और प्री 2012-16 के पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है 109वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में तीर जो है किस जनजाति के प्रतीक चिन्ह है, कमार, पारधी, बिंझवार या बैगा जनजाति। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिंझवार जनजाति। तो छत्तीसगढ़ में बिंझवार जनजाति में जो है तीर का जो अलग विशेष महत्व होता है, ठीक है। तो बिंझवार जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ निवास करती है, तो बलौदा बाजार सोना खान, ये जो है बलौदा बाजार अंतर्गत जो है निवास करती है, ठीक है। ये विंध्य पर्वत के मूल निवासी के होने का जो है बिंझवार जो है इसको कहा जाता है। इसकी भाषा छत्तीसगढ़ी होती है, ठीक है। इसका तीर, ठीक है, इनके जाति चिन्ह है तीर, और इसमें तीर विवाह और समान विवाह इसमें जो प्रचलित है, किसी का शादी वगैरह नहीं होते रहता है तो इन लोग जो है तीर से विवाह कर देते हैं, ठीक है जी। इसमें जो इनके प्रमुख देवता है इसको जो है 12 भाई जो बैठकर इनके प्रमुख देवता है, ये विंध्यवासिनी देवी की पूजा करते हैं, ठीक है। सोना खान बलौदा बाजार के वीर पुत्र जानते होंगे, शहीद वीर नारायण सिंह जो है इसी जनजाति के थे, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ये आपका डबल स्टार लगा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, धनकुल के गीत किस प्रकार के लोकगीत का वर्गीकरण में आएंगे, उत्सव गीत, संस्कार गीत, धर्म पूजा गीत या मनोरंजन। तो धनकुल गीत, ठीक है जी, धनकुल गीत जो है किस प्रकार लोकगीत के वर्गीकरण में आएंगे, तो ये जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका धनकुल जो है आपके धर्म पूजा जो है गीत से संबंधित है और इसका जो है खास करके बस्तर संभाग में जो है गीत को गाई जाती है। बस्तर का जो है लोकप्रिय गीत है और ये खास करके जो है पूजा पाठ से संबंधित लोकगीत है, ठीक है, जो बस्तर में इसको गाई जाती है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की लोक सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक किसे माना जाता है, चंदैनी गोंदा, पंडवानी नाचा या लोरिक चंदा। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की लोक सांस्कृतिक जागरण का जो प्रतीक किसे माना जाता है, चंदैनी गोंदा को माना जाता है, ठीक है, जिसमें आपका लोरिक और चंदा के जो प्रेम प्रसंग पर आधारित होती है। इसके कलाकार आपका चिंतादास हैं, ठीक है जी। इसका ये आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट पंडवानी नाचा ये लोरिक चंदा, ये तो बता चुका हूँ, ठोकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दाबा गोलिन देवी कहाँ की प्रमुख जनजाति देवी है, बनिया गांव, कोंडा गांव, केसकाल या बस्तर, ठीक है। तो दागा
गोलिन जो देवी है, अब मैं कई बार बताया हूँ मेरे सेशन में कि अलग अलग जनजाति में अलग अलग उनके जो है देवी देवता का महत्व होता है। इसी तरह जो कोंडा गांव में जो दागा बोलिन देवी है, इस जो है यहाँ के जो प्रमुख जनजातियों का जो है ये आपका देवी है, एक जो है महत्व रख देवी देवता, ठीक है, अपनी अपनी जो है आस्था श्रद्धा, ये जो है कोंडा गाँव के जो जनजाति के जो है इसके अंतर्गत के प्रमुख देवी देवता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो कोंडा गाँव के जो है प्रमुख जनजाति के देवी देवता है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की किस आदिवासी प्रजाति में उड़द दाल का विशेष महत्व है? धनवार, कमार, अगरिया, नगेसिया जनजाति, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो अगरिया जनजाति है, तो अगरिया जनजाति में जो है आदिवासी प्रजाति में उड़द दाल का विशेष महत्व है। विशेष महत्व है कहने का मतलब है आप जैसे इस जनजाति में घूमने जाएंगे या गेस्ट के रूप में रिलेटिव हैं तो आपसे जो है अतिथि का जो संस्कार मतलब जो है सेवा के लिए जो है उनको उड़द दाल का जो है खाना ही लोग खिलाते हैं, ठीक है जी, एक अलग महत्व है। तो गेस्ट रूप में जाएंगे मेहमान के रूप में तो उड़द दाल का विशेष इनका जो है स्वागत करते हैं अतिथि का, ठीक है जी। तो जो है लोहे गलाने का व्यवसाय का अगरिया जनजाति में किया जाता है, ठीक है, ये आपका माइकल सेड़ी के अंतर्गत जो है निवास करती है अगरिया जनजाति, तो विशेष महत्व उड़द दाल का इस जनजाति में, ठीक है जी। आप लोग मतलब ACF के पेपर में आया हुआ है, व्यापम में आया हुआ है, ठीक है जी, और आपको जो है CGPSC में आया हुआ है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के कौन से ज़िले में सबसे कम लगभग 12% जनजाति निवास करती है? जांजगीर चांपा, राजनांदगांव, रायपुर या धमतरी, ठीक है। तो आपको जो जांजगीर चांपा है जहाँ पर जो है इस जिले में सबसे कम लगभग 12% जनजाति निवास करती है, ठीक है जी, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला छत्तीसगढ़ी गीत है बारामासी, फाग, सवनाही या ददरिया, ठीक है। तो वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला छत्तीसगढ़ी गीत आपका सवनाही गीत है, और सवनाही गीत जो वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला जो है लोकगीत है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये गीत हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही जो है लोकप्रिय भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति के जो स्त्री होती है बच्चे में जो बच्चे जो है खेत में जो है पैदा करती हैं? बैगा, बिजवार, बिरहौर, बिनहौन या आपका भारिया जनजाति, आपका भारिया, आपका मारिया है, ठीक है जी, मारिया जनजाति, ठीक है। तो जो है मारिया जनजाति छत्तीसगढ़ में जो है स्त्रियाँ जो होती है बच्चे जो है खेत में पैदा करती है, ठीक है। तो अलग अलग जो है कला और संस्कृति है, ठीक है, खास करके ये जनजाति जो है बस्तर, कांकेर, कोंडा गांव यहाँ पे जो इन लोग निवास करते हैं, सुकमा, ये जो इन जिलों में मुख्य रूप से निवास करते हैं, ठीक है जी। और इस जनजाति में और इस जनजाति के जो बच्चे जो महिलाएं होती बच्चे खेत में जो है बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है पनवानी गायक नहीं है? तो निम्न में से कौन जो है पनवानी गायक नहीं है? झाड़ू राम देवांगन, लक्ष्मीबाई, पूना राम निशांत या बरसू राम जांगड़े? इसका नाम से पता चल रहा है बरसुराम जांगड़े जो है पनवानी गायक नहीं है। झाड़ू राम देवांगन, लक्ष्मीबाई, पूना राम निशान ये सभी जो है पनवानी गायक है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये जो है बरसुराम जांगड़े जो है छत्तीसगढ़ के पनवानी गायक नहीं है, ठीक। निम्नलिखित कौन जो है छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध नाचा मंडली नहीं है? कोड़ार, ककदेही, कासावही या टेडेसरा? इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोड़ार जो है ये जो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध नाचा मंडली नहीं, बाकी ककदेही, कासावही, टेडेसरा ये जो है छत्तीसगढ़ के नाचा मंडली है, ठीक है जी, प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, सल्फी, ठीक है, पेय पदार्थ है जिसको हम कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं आम भाषा में। तो सल्फी एक तरह का जो पेय पदार्थ है कौन से जनजाति में अत्यधिक लोकप्रिय है? माड़िया जनजाति, कमार जनजाति, गोंड जनजाति या हिल कोरबा जनजाति में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माड़िया जनजाति, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इनके जो पेय पदार्थ है जिसको सल्फी बोलते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे लिख देता हूँ, सल्फी इनके पेय पदार्थ है, ठीक है। इसी जनजाति में बाइसनहार नृत्य, गौर नृत्य, ठीक है, जनजाति भैंसे का जो सिर के समान टोपी पहनकर नृत्य करते हैं, ठीक है, यात्रा पर्व के दौरान, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, डबल स्टार लगा रहा हूँ। तो ये जो माड़िया जनजाति जो है मुख्यतः कहाँ निवास करते हैं छत्तीसगढ़ में? बस्तर में निवास करते हैं। इनके जो है मकान को वैडू कुर्मा बोलते हैं। इन लोग पैदा खेती कृषि कौन से करते हैं? तो इन लोग जो है पैदा खेती जैसे इन लोग करते हैं, ठीक है। ये जो है इनके ऊपर द गौर करके जो है पुस्तक लिखी गई है, ठीक है, माड़िया जनजाति पे वेरिया रेलवे के द्वारा, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन और लास्ट है आज का, अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में दूध लौटावा विवाह निम्न में से कौन से जनजाति में प्रचलित है? गोंड़, भारिया, पहाड़ी कोरवा या बैगा जनजाति? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोंड जनजाति, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में दूध लौटावा विवाह, ठीक है, दूध लौटावा विवाह ये आपके गोंड जनजाति में प्रचलित है,
मतलब दूध लौटावा विवाह, मतलब जो खुद के रिलेटिव में जैसे ममेरे फुफेरे भाई बहन का विवाह होता है, ये जो है गौड़ जनजाति में खुद के रिलेटिव में किया जाता है, इसी के दूध लौटावा विवाह करते हैं, खुद के रिलेटिव शादी किया जाता है। एक पहला हो गया, एक और विवाह होता है जिसको अपहरण विवाह बोलते हैं, ठीक है। अपहरण विवाह इसी को जो है पाईसोतुर विवाह बोलते हैं, ये जो है गौड़ जनजाति में होती है, इसमें लड़का जो होते हैं लड़की को अपहरण करके भगा के शादी करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा, एक तो अपहरण इसी को पाईसोतुर बोलते हैं, दूसरा दूध लौटाव, ये जो है दोनों गौड़ जनजाति में किया जाता है, ठीक है जी। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पहले बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा, यहाँ पर बहुत सारे जो स्टूडेंट यहाँ से जो है स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ पर लगभग 64% जो 1 पॉइंट है, इतने जो स्टूडेंट हैं जिन लोग अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, ठीक है जी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है जी। तो इतना जो है स्टूडेंट यहाँ पर जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए, तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं।